हेलो ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दो डिफरेंट ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इजी टू मेक है। तो देर किस बात की है, चलिए बनाते हैं पहला रेसिपी जिसका नाम है मिक्स वेजिटेबल विथ डलिया। तो मिक्स वेजिटेबल विद डलिया के लिए हम क्या करेंगे, एक कैप्सिकम ले लिए हैं जिसे हम इस तरह से काट ले रहे हैं। साथ में ले रहे हैं एक कैरेट यानी कि गाजर जिसे हम थोड़ा सा लंबा लंबा करके काट लेंगे। इस तरह से लीजिए, गाजर काट के बिल्कुल हो गया है। हम इसे भी एक प्लेट में ले रहे हैं। अभी हम ग्रीन चिली को थोड़ा सा तिरछा करके काट लेंगे। थोड़ा लेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन जिसे हम इस तरह से क्रश करके फिर इसको काटेंगे ताकि इसका छिलका निकालने में आसानी बन पड़े। चार से पांच गार्लिक का क्लोव मैंने लिया है, आप चाहे तो ज्यादा या कम ले सकते हैं। इस तरह से इसे छोटा छोटा करके काट लीजिए। लीजिए मिक्स वेजिटेबल विद डलिया के लिए जो वेजिटेबल्स हैं वो तो रेडी हैं। अभी हम बनाएंगे डलिया जो है उसे हम पहले ही पका लिए थे। इसको हम एक कप डलिया को थोड़ा सा नमक डाल के डेढ़ कप पानी में अच्छे से बॉईल करके रेडी करके रखे थे। अभी मैंने एक लोहे का कढ़ाई ले लिया है और जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। जी हाँ, इसमें मैं मिला है ऑलिव ऑयल। आप देख सकते हैं मैं तेल को सिर्फ ऊपर साइड से लगाए हैं, तेल ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं डाली हूँ। थोड़ा सा ही तेल मैं साइड से लगा ली है। उसमें पहले गार्लिक डाली हूँ, फिर गाजर, कैप्सिकम और लास्ट में ग्रीन चिली। अभी इसको हम अच्छे से टॉस कर लेंगे। और हाँ, मैं तो भूल ही गई बोलने, थोड़ा सा मटर, मतलब दो टेबलस्पून करीबन मटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अभी अच्छे से मैं टॉस कर ले रही हूँ। नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, बस। इतना ही डालना है। इसे अगर आप थोड़ा सा और फ्लेवर डालना चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जो डलिया मैंने पका के रखी थी वो मैं इसमें मिला रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्सिंग के बाद आप लास्ट में चाहे तो हाफ टी स्पून घी मिला सकते हैं टेस्ट के लिए। अगर जिसे नहीं चाहिए तो नहीं मिलाए, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, मिक्स वेजिटेबल विद डलिया बन के बिल्कुल तैयार है। है ना ये बहुत ही आसान सा रेसिपी। थोड़ा देर में इसको पका लिया है। डलिया बन के बिल्कुल तैयार है। इसे अभी हम एक बोल में ले ले रहे हैं, गरम गरम अब अभी खा सकते हैं। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं। ये है एक सैलड विद वेजिटेबल्स मेरे तरीके से। इसके लिए मैं एक बोल ले लिया है जिसमें मैं 2 से 3 कप पानी मिला रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अंडा और 1 आलू मीडियम साइज का हाफ करके। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ स्टीमर का पैन जिसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, एक कैप्सिकम और 1/2 कप मटर। इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए
स्टीम करेंगे। जब तक ये स्टीम होगा नीचे आलू और अंडा भी बॉईल हो जाएगा। 8 से 10 मिनट अब रख सकते हैं मीडियम से हाई फ्लेम में। लीजिए आलू बॉईल हो गया है, अंडा भी साथ में बॉईल हो चुका है और जो सब्जी हम ऊपर रखे थे वो भी स्टीम हो चुका है। इसे हम निकाल ले रहे हैं एक प्लेट में। थोड़ा सा धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स मैंने काट लिए हैं, थोड़ा सा ग्रीन चिली मैं ले रही हूँ। सैलड जो है टेस्टलेस नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फ्लेवर लाने की थोड़ा स्पाइसी होना बहुत ज़रूरी है, क्यों है ना। तो अभी एक बोल ले लिया मैंने जिसमें मैं आलू को इस तरह से छोटा छोटा पीस में काट ले रही हूँ। फिर अंडा को इस तरह से काट लिए हैं। अभी गाजर, इसके बाद कैप्सिकम और इसमें मटर मिला देंगे। अब इसमें मिलाएंगे हम धनिया पत्ता और हरी मिर्च, साथ में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर और बस हेल्दी एक सैलड विद वेजिटेबल बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और क्या चाहिए, आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो लेमन है वो स्क्वीज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जिनको लेमन से एलर्जी है या प्रॉब्लम है वो इसमें लेमन ना डाले, चाहे तो डाल सकते हैं। तो ये बन गया आपका हेल्दी एग सैलड विद वेजिटेबल्स। तो देर किस बात की है, ये दोनों रेसिपी आप बिल्कुल ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, ब्रेकफास्ट के लिए और हेल्थ कॉन्शियस पीपल के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में इसको शेयर कर दीजिएगा। और न्यू व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एग्जिस्टिंग व्यूअर्स को थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। नए व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी बेल आइकन प्रेस करने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर किस बात की, बहुत जल्द मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। Bye-bye.